भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वट सावित्री का जो व्रत है वो कब करना चाहिए तथा उसकी विधि क्या है, इस व्रत का क्या महत्व रहेगा और इस व्रत की कथा क्या होगी। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है, लेकिन कुछ माताएं बहनें भक्तजन इस व्रत को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भी करते हैं। यानी कुछ माताएं बहने वट सावित्री अमावस्या का व्रत करती है, वहीं कुछ माताएं बहने वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत करती है। अपनी अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार इस व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन अधिकतम माताएं बहने और भक्तजन वट सावित्री का व्रत वट सावित्री अमावस्या को ही करते हैं। यानी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री अमावस्या का व्रत किया जाता है। वैसे तो प्रायः 3 दिवसीय यह व्रत किया जाता है, यानी त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में एक समय शाम के समय भोजन किया जाता है तथा इस दिन वट सावित्री अमावस्या का जब व्रत करते हैं तो उस दिन सत्यवान और सावित्री की मिट्टी अथवा सोने की मूर्ति बना करके उनका पूजन अर्चन किया जाता है और एक सूत का धागा लेकर के वट वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाई जाती है और उसके बाद वट सावित्री का पूजन अर्चन करके कथा श्रवण की जाती है तथा रात्रि के समय जब तारों का उदय हो जाता है उस समय इस व्रत को पारणा किया जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत करती है। वट सावित्री का व्रत इस बार 10 जून 2021 गुरुवार के दिन अमावस्या को मनाया जाएगा और इसे वट सावित्री अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। वट सावित्री की पूजा और व्रत करके महिलाएं अपने सौभाग्य की यानी सुहाग की रक्षा करती है। सावित्री जिसने यमराज से लड़ करके अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और अपने सास ससुर और ससुराल के गौरव की रक्षा सत्यता से की थी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो वट सावित्री का व्रत रख करके सच्चे मन से इस व्रत का पालन करते हैं उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इस बार जो है नव विवाहितों का उत्साह जो है अधिक रहेगा, क्योंकि जिनका विवाह पहली बार हुआ है उनको इस व्रत को पहली बार धारण करना होगा और वट वृक्ष की पूजा करके महिलाएं रक्षा सूत्र बांधती है तथा पति की लंबी आयु की कामना करती है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेवों का वास होता है। वट सावित्री के दिन सावित्री ने यमराज से लड़ करके अपने पति सत्यवान की जान बचाई थी। इस बार वट सावित्री अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ होगा बुधवार 9 जून दोपहर 1:57 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 10 जून गुरुवार को शाम को 4:22 तक अमावस्या तिथि रहेगी। यानी इस दिन जो है प्रातःकालीन और मध्यान्ह व्यापिनी जो अमावस्या होगी वो 10 जून गुरुवार को ही रहेगी। इसी दिन आप जो है वट सावित्री का व्रत करें और वट वृक्ष का पूजन अर्चन करें तथा जिनके घरों में पितृ कर्म या पितृ श्राद्ध या तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं उनको भी 10 जून को ही करना चाहिए। यानी स्नान दान आदि समस्त कार्यों के लिए अमावस्या जो तिथि रहेगी वो 10 जून के दिन ही रहेगी। इसी दिन शनि जयंती यानी शनि भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा और इसके साथ ही 10 जून 2021 गुरुवार के दिन ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। लेकिन इस दिन जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वह भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण जहां पर दिखाई देता है वहां पर ही इसका सूतक पातक पुण्यकाल पर्वकाल माना जाता है।
इसलिए 10 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसका सूतक काल, पुण्य काल तथा पर्व काल नहीं माना जाएगा। यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी एशिया और उत्तरी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 1:43 पर प्रारंभ होगा और इसका मोक्ष 6:41 शाम को हो जाएगा। हालांकि भारत में यह ग्रहण कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका पुण्यकाल, पर्वकाल नहीं माना जाएगा और न ही इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा। और किसी भी प्रकार से इस ग्रहण से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के जो प्रमुख पंचांग है उसमें इस ग्रहण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं दी है, इसलिए कि भारत में कहीं पर भी यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष का पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा घर के परिवार के सदस्यों को जो है वो लंबी आयु प्राप्त होती है और विशेष करके महिलाओं को इस व्रत को करना ही चाहिए। इससे उनका दुर्भाग्य समाप्त होगा तथा उन्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वट सावित्री व्रत में खान पान सावित्री ने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी सुध बुध छोड़ दी थी और यमराज से प्राणों की रक्षा की थी, वैसे ही आज कलयुग में भी महिलाएं अपने पति और परिवार की रक्षा के लिए व्रत करती है, उपवास करती है, तरह तरह के नियम पालन करती है। वट सावित्री के दिन व्रत रख करके माता सावित्री से अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से पता चलता है कि सावित्री ने किस प्रकार से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। आज के समय में किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए तथा किस विधि से करना चाहिए और इस व्रत के दिन किस प्रकार से आपको नियम का पालन करना चाहिए। वट सावित्री का व्रत अन्य व्रतों से थोड़ा अलग होता है। इस व्रत में पूरे दिन व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। खास करके यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखा जाता है। इस दिन पूजा में जो चढ़ाया जाता है उसे ही खाया जाता है, यानी आम के फल इसमें विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं तथा चना या फिर चने की दाल जो भींगी हुई होती है, गलाई हुई होती है पानी में, उसको भी चढ़ाया जाता है। खरबूजा चढ़ाए जाते हैं, पूड़ी चढ़ाई जाती है, गुलगुले चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा मालपुआ भी इस दिन व्रत में चढ़ाया जाता है। 10 जून 2021 गुरुवार के दिन वट सावित्री का व्रत मनाया जाएगा और इस दिन जो माताएं बहनें व्रत करेगी उनको प्रातः जल्दी उठना चाहिए तथा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 से 5:30 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें और सौभाग्यवती महिलाओं को सभी प्रकार के सौभाग्य धारण करना चाहिए, विशेष करके लाल रंग की साड़ी या पीले रंग की साड़ी या फिर हरे रंग की साड़ी का उपयोग ही इस दिन करना चाहिए और चूड़ी, पायल, बिछिया, मेहंदी, टीकी, महावर इत्यादि 16 श्रृंगार जो किए जाते हैं वो सभी श्रृंगारों से श्रृंगारित होकर के सौभाग्यवती माताओं बहनों को इस व्रत का पालन करना चाहिए और सबसे पहले अपने घर के भगवान का पूजन अर्चन करें। नित्य पूजन अर्चन करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उसके पश्चात आपको जो है शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए और उसके बाद वट वृक्ष के समीप जा करके वट वृक्ष का पूजन करें, यानी रोली, चालवल, हल्दी, अबीर, गुलाल इत्यादि वस्तु से वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पूजन करें। उसके बाद वट वृक्ष के समीप आम के फल चढ़ाएं, भींगे हुए चने या चने की दाल वहां पर चढ़ाएं और उसके बाद वहां पर खरबूजा भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा गुलगुले, पूड़ियां इत्यादि नैवेद्यम लगा करके 108 परिक्रमा करें। कच्चा सूत, जिसे धागा बोला जाता है सफेद रंग का, उसको लपेटते हुए 108 परिक्रमा वट वृक्ष की जाती है। व्रत संपन्न होने के बाद जो वस्तुएं आपने चढ़ाई हैं, इन्हीं चीजों को प्रसाद के रूप में खाते हैं। व्रत के दौरान और पूजा के बाद चने को यानी चने की दाल को सीधे निगल जाते हैं।
और बाद में चने की सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसी तरह आम और आम का मुरब्बा, खरबूजा की भी पूजा करते हैं और उसका ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। आम को चढ़ा करके उसका मुरब्बा बना करके भी खाया जाता है। खरबूजे को भी व्रत के दौरान ग्रहण किया जाता है और वट सावित्री का व्रत पूरी निष्ठा तथा श्रद्धा के साथ में पालन किया जाता है। वट सावित्री व्रत के दौरान सत्यवान सावित्री की कथा महात्म सुन करके जो विधि विधान से पूजा करता है और इस प्रकार जो हमने वस्तुएं बताई गई है उनका सेवन करता है, उसका सुहाग अमर होता है, यानी उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसको उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके पुत्र पौत्रादिकों को लंबी आयु मिलती है, उसके पति को भी लंबी आयु प्राप्त हो जाती है। और जो माताएं बहनें वट सावित्री का व्रत करेगी उनको उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करके उस भोजन का ही भोग लगाना चाहिए और उसका ही सेवन करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वट सावित्री अमावस्या के दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी घर में नहीं होना चाहिए तथा वट सावित्री अमावस्या के दिन कोई भी मनुष्य दाढ़ी कटिंग या बाल नहीं कटवाए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, यहाँ तक कि इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। वट सावित्री अमावस्या के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता सास ससुर इनका अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। और यदि आपके घर में कोई भी याचक जरूरतमंद या मांगने वाला आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, यानी कुछ न कुछ दान पुण्य उसको अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा वट सावित्री अमावस्या के दिन पेड़ पौधों को काटना छांटना नहीं चाहिए। वट सावित्री अमावस्या के दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए और वट सावित्री अमावस्या के दिन किसी भी गरीब या मजदूर को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस दिन शनि जयंती का महापर्व भी है। इसीलिए खास करके गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान अवश्य करना चाहिए तथा वट सावित्री अमावस्या के दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत या अनैतिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पूरे दिन इसका पालन करते हुए शाम के समय जब तारों का उदय हो उसके बाद तारों को अर्घ देने के बाद भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं तथा दिन में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति की पूजा करके उन मूर्तियों को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन आप किसी धातु की मूर्तियां बना सकते हैं या मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं या बनी बनाई मूर्ति भी घर लाकर के उनका पूजन आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन वट वृक्ष का चित्र भी दीवार पर बना करके पूजा कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश अपने घर से बाहर नहीं जा पाते हैं और वट वृक्ष का पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में ही एक वट वृक्ष का गमला रख करके उसका पूजन अर्चन करें तथा उसकी परिक्रमा करें और जिस विधि से हमने आपको बताया है उस विधि से पूजन पाठ अर्चन करने के बाद में व्रत का समापन करें और जो माताएं बहनें व्रत करती है उनको कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो अब हम आपको वट सावित्री अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। स्वस्तस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिहस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु शत्रुक्षयोस्तु निजपक्षमहोदयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय।
धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, मध्य देश में अशुपति नामक एक धर्मात्मा राजा निवास करते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से एक महान यज्ञ का आयोजन किया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, यानी एक कन्या का जन्म उनके घर पर हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और जब बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो सावित्री के लिए द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उसका राजपाट समस्त छीन चुका था। अब वह बहुत ही दरिद्रता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगली लकड़ी काट करके जंगल से लाते थे और उन्हें बेच बेच करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को लेकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश करने लगे थे। नारद जी की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रख करके कुछ समय के लिए लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज वहां पर आ खड़े हुए और जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर के यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता था, तुमने अपने पतिदेव का साथ दिया है, अब तुम घर लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी को सुनकर के अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास और ससुर दोनों ही अंधे हैं, उन्हें आप नेत्र ज्योति प्रदान कर दिए। यमराज ने तथास्तु कह करके उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर के पुनः सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापिस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और उनके पीछे पीछे निरंतर चलती रही। सावित्री ने पति के प्राणों को बचाए और सावित्री की पति की भक्ति को देख करके यमराज का हृदय पिघल गया और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, कहा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दे दीजिए। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर के इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया था और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठ करके बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया।
उसी दिन से सभी माताएं बहनें सत्यवान और सावित्री की याद में इस व्रत का पालन प्रतिवर्ष करती है। और इस व्रत को करने से सभी माताओं बहनों को जो है अपना सौभाग्य प्राप्त होता है और उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है तथा अपने पति की लंबी आयु उन्हें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री को इस व्रत के कारण ही लंबा जो है आयु प्राप्त हुई और उन्हें राज्य पाठ सब कुछ प्राप्त हो गया था। इस प्रकार वट सावित्री का व्रत अत्यंत जो है महान व्रत माना गया है और इस व्रत का पूरी तरह निष्ठा से पालन करने से सभी माताओं बहनों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप वट सावित्री अमावस्या के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप वस्त्र दान, गौदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या फिर अमावस्या के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वट सावित्री अमावस्या का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।